अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ए टू जेड फूड ब्लॉग और आज हम आप लोगों के लिए मुरमुरा लड्डू बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आए हैं जी। तो यहाँ पर हमने मुरमुरा लिया है जिसे पफ राइस कहते हैं, एक पाव, एक कप हमने चीनी ली है और दो चम्मच हमने ऑयल का लिया है। आप लोग ऑयल की जगह बटर या घी भी ले सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम पैन के अंदर पफ राइस ऐड करेंगे और इन्हें तकरीबन 40 सेकंड तक अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे ताकि ये एकदम ताज़ा से हो जाएं। जी तो हमारे ही रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इन्हें अलग निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी को हम अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जी तो चीनी हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इस स्टेप पर आकर हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे और चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। जी तो अब हम चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसके अंदर पफ राइस ऐड कर देंगे यानी कि फुलियां ऐड कर देंगे। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ। जी तो ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम ने हाथ पर थोड़ा सा पानी लगा लिया है और इस तरह से हम गर्म गर्म के ही गोल गोल लड्डू बनाएंगे। हाथ पर पानी लगाया है, अब हम इस तरह से थोड़ा सा लेंगे और इस तरह से दबा दबा कर हम लड्डू बना लेंगे। ये थोड़ा सा गर्म है, हाथ पर पानी लगा लेंगे तो ये ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा। गर्म गर्म के ही हम बनाएंगे क्योंकि ठंडा होने पर ये बिल्कुल नहीं लड्डू बनेंगे। इस तरह से अब हम सारे बना लेंगे। जी तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मुरमुरा लड्डू तैयार हुए हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाय बाय।